अरे यार, मैं जब भी टीवी देखने लग जाता हूँ हमेशा गाइस घर के बाहर पता नहीं कौन आ जाता है और चिल्लाने लग जाता है, ये कौन बंदा है, चल के देखना पड़ेगा। हेलो भाई, कौन हो तुम? अरे हम चड्डी गैंग के बंदे। बेटा हमारी बात तू ध्यान से सुनियो, ये जो ट्रक देख रहा है ये यहाँ से हटना नहीं चाहिए। अरे पर ये ट्रक किसका है? ये ट्रक हमारा है और ये ट्रक कूड़े का है। अब ये तेरे घर के बाहर रहेगा और तू अभी से लेके परसों तक घर से बाहर नहीं निकलेगा, घर में कैद रहेगा। अरे पर मैं तेरी बात क्यों मानूं? क्योंकि हम है बेटा गुंडे, अगर तू घर से बाहर निकला तो बेटा तेरे को ना गोलियों से भून देंगे। अरे वाह, दादागिरी है भाई, ये ट्रक तो मैं हटाऊंगा और अभी की अभी हटाऊंगा। लगता है अभी तू हमारी गैंग को जानता नहीं है सही ढंग से, पूरे इलाके में हमारी चलती है बेटा, गोली से भून देंगे अगर इस ट्रक पे दोबारा लात मारी तो। अरे हाँ बॉस, अब सही कह रहे हो, उसको गोली से भून दो। आ मेरे चेले, जल्दी गाड़ी में बैठ। अरे ये ट्रक तो हटके रहेगा और घर से बाहर मत निकल जाइए परसों तक, हम बहुत बड़े गुंडे हैं बॉस। मैं क्या कह रहा हूँ, छीना झपटी भी करते ना लॉस एंजेलिस में। हाँ मेरे चेले, सब कुछ सिखाऊंगा तेरे को। ये देखिए गाड़ी है रेड वाली, अभी इसको छीन के दिखाता हूँ। चलो भाई गाड़ी से बाहर निकलो। अरे बॉस आपकी तो बेइज्जती हो गई, ये लोग तो चले गए आपको बेइज्जती करके। अरे रे मेरी बेइज्जती करा दी मेरे चेलों के सामने, कोई नहीं चेले तू गाड़ी में बैठ, किसी और की गाड़ी छीनेंगे। पता नहीं यार ये लॉस एंटोस के अंदर कैसे कैसे लोग रहते हैं। गाइस अभी इसके ट्रक को पूरा तोड़ फाड़ देता हूं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के आगे भाई ट्रक खड़ा कराओ। और तो और गाइस मेरे को धमकी भी दी गई है कि भाई मैं घर से बाहर ना निकलूं, ऐसे कैसे घर से बाहर नहीं निकलूंगा। अरे वाह, इसका तो लॉक भी खुला है। अभी गाइस इस ट्रक को कहीं दूर फेंक के आता हूं। देखो तो सही गाइस, इन गुंडों को मेरे घर पे आके मुझे ही धमकी देके जा रहे हैं। लेकिन ये सिंचन का बच्चा कहां है? अगर गाइस सिंचन घर पे होता ना तो सिंचन भाई अच्छा इनको सुना देता। पता नहीं सिंचन का बच्चा आजकल कहां चले जाता है। एक काम करता हूं, इनके ट्रक को ना यहीं पे छोड़ देता हूं। बहुत बच्चे यार, अब आए मेरे घर पे, जब इनको बताऊंगा गाइस मैं और तोड़ देता हूं इनके ट्रक को। बताओ यार, कूड़े का ट्रक मेरे घर के आगे खड़े करके चले गए। अरे बेटे तू यहां से जा क्यों नहीं रहा? तेरे को मैं कब से समझा रहा हूं, तू पुलिस की गाड़ी नहीं चला सकता तो नहीं चला सकता। अरे पर अंकल यार, ये पुलिस की गाड़ी मुझे चलानी है। तू नहीं चला सकता बेटे, ये पुलिस की गाड़ी हम ही चला सकते हैं। अंकल मेरा सपना है पुलिस की गाड़ी चलाना, प्लीज अंकल चलाने दो ना। लगता है अपने दूसरे ऑफिसर से बोलना पड़ेगा। अरे पर आपका वो ऑफिसर तो सो रहा है। अरे क्या, ये सो रहा है? ओए एक काम करता हूं, इसे उठाता नहीं हूं, इसको सोने देता हूं और जाके अपने बड़े सर से इसकी शिकायत लगाता हूं ताकि इसकी जॉब जा सके, ये अच्छा मौका है। ओ बच्चे तू गाड़ियों को टच मत करियो। अरे अंकल प्लीज चलान दो ना। अभी जाता हूं और बॉस से इसकी शिकायत लगा के आता हूं कि ड्यूटी के टाइम पे ये मजे से सो रहा है, फिर तो इसे जॉब से निकाल देंगे, फिर ये पुलिस की जॉब से निकलेगा, फिर मैं बड़ी पोस्ट पे आ जाऊंगा। अरे ये बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पे ये पुलिस वाला अंकल सो रहा है और वो पुलिस वाला अंकल बाइक से चले गया, अब मैं जल्दी से गाड़ी चला लेता हूँ, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी गाड़ी का लक भी खुला और चाबी भी है। अभी काम करता हूँ, इस गाड़ी को ना सिंचन के पास लेके चलता हूँ और फिर सिंचन और मैं पूरे इलाके में घूमेंगे और हम तो पुलिस वाले बन गए, बहुत अच्छे, सब लोग हमसे डरेंगे। अब जब हम पुलिस की गाड़ी में चलेंगे ना तो सब लोग सोचेंगे कि मैं पुलिस वाला हूँ। जल्दी जल्दी चलता हूँ सिंचन के पास। अरे ये क्या है, ये तो अच्छा बटन है, ये दबाते ए सी ऑन हो गया गाड़ी का, ये तो फ्रैंकल भैया लग रहे हैं। फ्रैंकल भैया, अरे ये कौन आ गया? अरे तू तो कचरा है ना। अरे फ्रैंकल भैया सिंचन कहाँ है? अरे कचरा एक बात बताइए, पुलिस की कार किसकी है? अरे वो ये मेरे ना दादा है, दादा पुलिस में है ना, इसलिए दादा की गाड़ी है। अरे पर तेरे दादा ने तेरे को गाड़ी दे दी? और क्या, मेरे पुलिस वाले दादा है, मेरे को गाड़ी कभी भी दे देते हैं। लेकिन भाई सिंचन तो घर पे है नहीं। घर पे नहीं है तो मुझे पता है वो कहाँ पे होगा, फ्रैंकल भैया। वो ना फ्रैंकल भैया लिटिल सिंह के घर पे होगा। अरे उसे ना भाई तू घर पे भेज दो अगर तेरे को मिले तो। नहीं फ्रैंकल भैया घर पे नहीं भेजूंगा, अब तो सिंचन के साथ मौज मस्ती करूंगा, पुलिस की गाड़ी मिल गई, बल्ले बल्ले मजा आ गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जिंदगी में पुलिस की गाड़ी चला पाऊंगा, लेकिन मुझे तो पुलिस की गाड़ी चलाने को भी मिल गई। चलो यार बातें बट्टे में, आगे लिटिल सिंघम के घर पे भी। ओ सिंचन भैया बाहर निकलो, लिटिल सिंघम भैया तुम भी बाहर निकलो। अबे सिंचन चल भाई पैदल ही चलते हैं घूमने, क्योंकि भाई पापा अपनी गाड़ी की चाबी देंगे ही नहीं। अरे यार एक और बार बोलना यार अंकल से, सिंचन तू ही बात करना। अरे अंकल प्लीज यार दे दो ना यार गाड़ी की चाबी, हम घूमने चलते हैं। अरे ना बेटा घूमने की उम्र नहीं है तुम्हारी, पढ़ने की उम्र है, जाके पढ़ लो। अरे अंकल यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार, आज हमारे स्कूल की छुट्टी है यार, आज हम घूमने चाहते हैं। अरे हाँ पापा जी दे दो ना हमको गाड़ी। ना बेटा गाड़ी की चाबी तो तुम्हें मिलेगी नहीं, लगता है यार लिटिल सिंघम के पापा बहुत खड़ू से गाड़ी की चाबी नहीं देंगे। ये कौन है? अरे ये तो कचरा दोस्त है। हेलो कचरा दोस्त। अरे सिंचन भाई ये देख पीछे गाड़ी। अरे ये तो पुलिस की गाड़ी, लेकिन ये कौन लिया है यार लिटिल सिंघम तेरे घर के सामने? अबे सिंचन पता नहीं कौन लाया है। अबे सिंचन भाई मैं लाया हूँ इस गाड़ी को। अरे सच बता भाई, और क्या जाके बैठ के देख, मैं लाया हूँ इस गाड़ी को चले घूमने के लिए। अरे वाह यार मैंने तो कभी सोचा नहीं था पुलिस की गाड़ी चलाने को मिलेगी, जल्दी बैठे भाई गाड़ी के अंदर। सिंचन भाई सच में पुलिस की गाड़ी में बैठने को मिल रहा है, मजा आ गया। चल सिंचन अब घूमने चलते हैं, गाड़ी भी मिल गई, पापा अपनी गाड़ी दे नहीं रहे थे। लेकिन ये देख कचरा हमारा दोस्त गाड़ी लेके आ गया। और क्या सिंचन तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन ये लिटिल सिंघम का अच्छा दोस्त नहीं हूँ मैं, लेकिन जा कर रहा है सिंचन। अबे सिंचन कहाँ चढ़ा दी गाड़ी भाई, तोड़ेगा क्या गाड़ी को? अरे तुम दोनों यार शांत जाओ, अब चल रहे फ्रैंकल भैया के पास और फ्रैंकल भैया को दिखाएंगे यार ये पुलिस की गाड़ी। अरे सिंचन भाई मैंने दिखा दी फ्रैंकल भैया को। अरे तो फ्रैंकल भैया को मैं दिखाऊंगा ना कर। वैसे कचरा भाई हमको यार पार्टी तो दे दे तू। अरे बाप रे कौन है कचरा के बच्चे, अभी तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे फ्रैंकल भैया मैं हूँ यार, लग तो नहीं गई तुम्हारी। अबे सिंचन के बच्चे जब तुझे कार चलाना आती नहीं तो क्यों चला रहे? अरे फ्रैंकल भैया बहुत अच्छे
से आती है मुझे कार चलाना, तो सिंचन तूने मुझे इतनी बुरी तरीके से ठोका। वैसे सिंचन भाई अब मेरे को आराम से बताओ ये है किसकी कार। अरे फिंगल भाई ये कचरा लेके आया। कचरा भाई कहाँ से चुरा के ले आया? अरे भैया चुरा के लाया, पुलिस वाले के घर से लेके आया, पुलिस वाला मेरा दोस्त है। अच्छा तेरा दोस्त है, एक बार सिंचन मैं भी चला के देखू क्या? अरे फिंगल भाई मैं क्या कह रहा हूँ यार, एक बार हम क्यों घुमा लो यार इस कार से, बस गली गली तक घुमा लो। आ सिंचन गली के बाहर तक तो मैं घुमा के ले आता हूँ। अरे फिंगल भाई बिठाओ जल्दी मुझे भी। अरे बैठ जा लिटिल सिंगम। अरे फिंगल भाई मैं तो यार आगे बैठूंगा क्योंकि यार आगे ना से एकदम मुंह पे एसी की हवा लगती है। अरे कचरा के बच्चे तू बैठ गया। अरे सिंचन मैं बैठ गया, देख सिंचन तू तो गिर भी गया। अरे यार फिंगल भाई तुमने मुझे गिरा दिया। सॉरी सिंचन भाई, वैसे सिंचन तूने तो मुझे इतनी बुरी तरीके से ठोका, मैंने तो भाई तेरे को हल्के से गिराया। अरे फिंगल भाई वो ट्रक देखो, ट्रक किसका है? अरे हाँ फिंगल भाई वो पर ट्रक किसका है? अबे सिंचन मैं तेरे को बताता हूँ, अभी ना सिंचन तो गुंडे आए थे भाई नंगे पुंगे, और आके सिंचन भाई ये कचरे का ट्रक हमारे घर के आगे रख दिया और मेरे को धमकी दे के गया सिंचन कि मेरे को घर के बाहर नहीं निकलना। अरे ऐसे कौन सा गुंडा है फ्रैंकल भाई मेरे को बताओ, मैं उसकी गुंडागिरी निकालता हूँ। फ्रैंकल भाई मुझे बताओ उस गुंडे की गैंग का नाम। उसकी गैंग का नाम मेरे ख्याल से चड्डी गैंग था। अरे चड्डी गैंग, चलो फ्रैंकल भाई काम करते हैं, चड्डी गैंग के घर चलते हैं। और फ्रैंकल भाई अब तो हमारे पास पुलिस की गाड़ी भी है, उन्हें लगेगा फ्रैंकल भाई हम पुलिस है। अरे हाँ फ्रैंकल भाई ये अच्छा मौका यार, चलते हैं फ्रैंकल भाई चड्डी गैंग की अड्डी पे। और फ्रैंकल भाई यार उनको सबक सिखा के आते हैं, उनको लगेगा हम पुलिस है। हाँ सिंचन ये सही कह रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई सिंचन भाई मेरे घर के अंदर आके भाई मेरे को धमकी दे के गया। लेकिन सिंचन उनका अड्डा तो मेरे को पता नहीं है। अरे भैया उनका अड्डा मुझे पता है यार, चड्डी गैंग का अड्डा मुझे पता है। चलो फ्रैंकल भाई चलते हैं और हम उनको अब धमकी दे के आएंगे उनके अड्डे पे चल के। और गाइस जब तक हम उनके अड्डे पे पहुंच रहे हैं, आप लोग यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अरे मेरी तो आंख लग गई थी ड्यूटी करते करते, मैं तो यहीं पे सो गया था। यहाँ पर तो एक पुलिस की बाइक और पुलिस की गाड़ी भी थी, वो कहाँ चली गई? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ एक और बंदा तो था, पता नहीं वो कहाँ चले गया। अरे काम करता हूँ जाके जल्दी देखना पड़ेगा थाने जाके आखिरकार हो क्या रहा है, वो गाड़ी कहाँ चली गई, कहीं कोई उस गाड़ी को लेके तो नहीं चले गया? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, चलो जल्दी थाने जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा आखिरकार हो क्या रहा है। तो गाइस अभी कचरा हमको इस लोकेशन पे तो लेके आ गया, लेकिन गाइस इस कचरा को ना एकदम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता आखिरकार उनका अड्डा है कहाँ पे। अरे भैया मैं कह रहा हूँ किसी से पूछ लो ना, वो बता देगा उस गैंग का नाम। हाँ गैंग का नाम नहीं पूछना, गैंग का अड्डा पूछना कहाँ है। अरे भाई साहब कैसे बीच में गाड़ी रोक रहे हो, गुंडे लग रहे हो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, तुझे चड्डी गैंग का अड्डा पता है? चड्डी गैंग का अड्डा मतलब तू उनका ही बंदा है, आज बेटा तेरी हड्डी तोड़ूंगा। अरे फ्रैंकल भाई क्या कर रहे हैं ये, लगता है सिंचन ये मुझसे लड़ना चाहता है। ये ले तेरी हड्डी तोड़ूंगा, तू उसकी गैंग का बंदा है। अरे लो फ्रैंकल भैया मैंने इसके घूसा मारा। अरे भाई तुझे गलत फहमी हो रही है, हम उसके बंदे थोड़ना है। वैसे फ्रैंकल भैया इसको मारो यार, ये इसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? सही कह रहा है सिंचन भैया, तुम टेंशन मत लो, इसकी हड्डी तो मैं तोड़ूंगा। अरे मैं पुलिस वाला, तुझे पता नहीं है? अरे कचरा के बच्चे रहने दे, तू कहां पुलिस वाला है? अरे भैया इस कार को तो मैं ही लाया हूं ना। अरे भाई तेरा याद हो रहा है, तेरा खेल खत्म करता हूं। करियो खेल खत्म करके दिखाया तुम्हारी। अरे भैया मैंने मारा इसको। अरे पर फ्रैंकल भाई यार पता कैसे लगेगा यार उस चड्डी गैंग का यार अड्डा कहाँ पे? हाँ सिंचन ये भी बात है, कचरा के बच्चे जल्दी बैठ जाओ वरना छोड़ के चले जाएंगे। अरे भैया बिठाओ जल्दी बिठाओ। अब भैया कैसे पता करे चड्डी गैंग का अड्डा कहाँ पे? अरे यार कचरा के बच्चे मैं तेरे चक्कर में इस लोकेशन पे तो आ गया, इससे पूछते हैं भाई चड्डी गैंग का अड्डा कहाँ है? भाई पीछे पीछे चले जाओ, बगल में तो है चड्डी गैंग का अड्डा। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू भाई आपने बता दिया। पीछे जाके सिंचन वो बगल में कुछ बता रहा था। अरे मेरे ख्याल से फ्रैंकल भाई ये तो नहीं है इसका अड्डा। हाँ सिंचन शायद ये भी हो सकता है, चल चल के देख ही लेते हैं। और ये देख सिंचन एक बंदा खड़ा है यहाँ पे गन लेके, पक्का फ्रैंकल भाई यही चड्डी गैंग का अड्डा है। चलो अब चलते हैं, अब इनकी ऐसी तैसी करेंगे यार, इनको सबक सिखा देंगे। सही कह रहा है सिंचन, बहुत अच्छे लगते हैं तुम पुलिस वाले, अंदर जाओ अंदर, बॉस से मिलो अंदर बॉस है। अरे सिंचन बॉस को बताते हैं। अरे नहीं यार यहाँ पर तो काफी सारे बंदे हैं, और गाइस यहाँ पर मैं तो सिर्फ अकेला हूँ, इनसे तो मैं पिट जाऊंगा। अरे भैया लगता है चड्डी गैंग के अड्डे पे खुद नमूने आए हैं अपने पैरों से चल के। तालियां बजाओ सब तालियां बजाओ, कोई ताली नहीं बजा रहा। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ना आपसे एक शिकायत करना है, शिकायत विकायत बाद में होगी। बॉस नमूने आए हैं नमूने, बहुत तो मुझे भी दिख रहा है नमूने आए, चल इनका शिकार कर ले फटाफट से। हाँ बस अभी शिकार करते हटो साइड हटो। अरे अरे भाई क्या कर रहा है, गिरा किस रहा है? गिराऊंगा अभी तो मैं, गिराऊंगा ऊपर से गिराऊंगा, रुक जाओ तो तुम रुक जाओ बस। हाँ बच्चे इन्हें कौन कौन मारेगा, जो मारेगा वो यार को भग जाओ सारे, वरना भग जाओ गुंडे कहेंगे गुंडा बनने आए हैं, भग रहे हैं जैसे किसी ने काट लिया उनको। अरे भाई मैं क्या कह रहा था, मैं ना आपसे कुछ शिकायत करने आया हूँ। गैंग से शिकायत करने आया है तो ये पता है, हमको बच्चों की ही तलाश थी, हम बच्चे किडनैप करने की सोच रहे थे और बच्चे खुद ब खुद ही चल के हमारे अड्डे पे आ गए। अब देखो तुम्हें हम सबक सिखाएंगे। अरे बाबरे फिंगल भाई ये क्या कह रहे हैं, भागना है क्या? भागने का तो मौका तुम्हें मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गुंडे हैं, दो बच्चों को पकड़ लेते हुए काम करता है ना बॉस। अरे फ्रैंकल भैया प्लीज हमको बचाओ। अरे फ्रैंकल भाई यार कचरा और लिटिल सिंह हमको बचाओ ना। अरे भाई प्लीज यार इन दोनों को छोड़ दो। अच्छा बॉस से बात कर, अगर तुझे इन्हें बचाना है तो बॉस से बात कर। बेटे अगर तुझे बचाना है तो मेरे अड्डे के बाहर गाड़ी मिलेगी और तुझे पुराने वाले एयरपोर्ट पे जाना है, वहाँ पे बहुत सारे गुंडे हैं, उनको तुझे हराना पड़ेगा और
वहाँ से बहुत सारा गोल्ड हमारे यहाँ लाना पड़ेगा। अगर तू वो गोल्ड ले आए तो इन दोनों को छोड़ देंगे। और जल्दी कर, तेरे पास सिर्फ और सिर्फ बेटा 10 घंटे हैं। अरे क्या 10 घंटे? अरे यार 10 घंटे में कैसे छोड़ेंगे? देख सिंचन, यहाँ पर तो बहुत गुंडे हैं, इनसे तो सिंचन हम लड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे पास तो कोई गन भी नहीं है। अरे फ्रेंगल बैब क्या करें यार? अब सिंचन भाई हमको जाना होगा और वहाँ से यार गोल्ड लेके आना होगा। लेकिन यार हम इनका काम कर क्यों रहे हैं? हाँ यार इनका काम तो करना पड़ेगा क्योंकि गाइस यहाँ पे यार लिटल सिंघम और कचरे को तो इन्होंने पकड़ लिया। अरे हाँ फ्रेंगल बैब, अगर यार वो गोल्ड ला के नहीं देंगे ना तो फ्रेंगल बैब लगता है यार ये कचरे को मार देंगे। नहीं सिंचन ऐसा तो नहीं होने देंगे। और सिंचन भाई इनको ना हम गोल्ड भी नहीं देंगे। अरे पर अगर इनको गोल्ड नहीं दोगे तो फ्रेंगल बैब तो यार उन दोनों को देंगे नहीं ना हमको यार। अब सिंचन अब तू ना मेरी बात ध्यान से सुन। सिंचन हम उस पुराने वाले एयरपोर्ट पे चलते हैं और सिंचन वहां से ना बहुत सारा गोल्ड लेके आएंगे और उसके बाद सिंचन उस गोल्ड को ना पैसे में कन्वर्ट करवाएंगे बैंक से। और सिंचन जो भी पैसे आएंगे ना उनसे सिंचन हम भी गुंडे खरीदेंगे, वो भी अपने गुंडे। फिर सिंचन हमारे गुंडे इन गुंडे से लड़ेंगे और अपने लिटिल सिंघम और कचरा को बचा लेंगे। अरे वाह बहुत अच्छा दिमाग लगाया। और फ्रेंगल बैब यार जो पैसा बचेगा और सिंचन जितना भी पैसा बचेगा ना वो सिंचन उन पैसों से हम पार्टी कर लेंगे। अरे बहुत अच्छी फ्रेंगल बैब, लेकिन यार हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे हैं। अगर 10 घंटे से ज्यादा लेट हो गए ना तो फ्रेंगल बैब वो कचरा और लिटिल सिंघम को यार मार देगा यार। अबे सिंचन तू टेंशन मत ले भाई, मैंने काफी अच्छा प्लान बनाया और सिंचन इस प्लान को हम तोड़ने दे देंगे। लेकिन सिंचन भाई हम पुराने अड्डे पे जा तो रहे हैं, वहाँ पर भी सिंचन काफी सारे गुंडे तो होंगे। हाँ यार उस गोल्ड के पास तो बहुत सारे गुंडे होंगे। चल सिंचन एयरपोर्ट पे चल के देखते हैं आखिरकार वहाँ की कंडीशन कैसी है। तो फाइनली गाइस अभी हम पुराने वाले एयरपोर्ट पे तो पहुंच चुके हैं और सिंचन भाई काफी तेज बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। सही कह रहे हो फ्रेंगल भैया, लेकिन फ्रेंगल भैया यहाँ पर तो मुझे कोई गोल्ड वोल्ड दिख नहीं रहा। एक सेकंड यार, यहाँ पर तो सिंचन काफी सारे सुपर कार है और ये अंदर कौन लोग हैं? लगता है फ्रेंगल भैया ये भी यार कोई गुंडे लोग ही है। सही कह रहा है, आज सिंचन थोड़ी बहुत बात करके आते हैं और देख कार कितनी ओपी है। बेटा चले जाओ। अरे भाई आपकी सुपर कार की कलेक्शन तो बहुत अच्छी है, मैं यार एक बार देखना चाहता हूँ, अंदर जाके देख लूँ। अजी बहुत नहीं है, सारे बहुत शादी में गए हुए हैं, हम सिर्फ 4 लोग हैं समझ रहे हैं, हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, अंदर तू जा नहीं सकता। प्लीज भाई बस एक फोटो खिंचवानी है गाड़ी के साथ। अरे बोला ना तुझसे अंदर नहीं जा सकता, इसलिए नहीं जाएगा तू। अरे टेकले भैया प्लीज जान देना। अरे लगता है तुम्हारे ऊपर गोली चलानी ही पड़ेगी, भाग जाओ यहाँ से। अरे भागो फ्रेंगल भाई भागो, कहीं गोली ना चला दे सच में। सिंचन भाई इन्होंने सुना क्या बोला? अरे क्या बोला फ्रेंगल भैया? सिंचन इसने बोला कि इसके सारे बॉस सिंचन शादी में गए हुए हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये 4 लोग ही है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंगल भैया, 4 लोग मतलब हमारे लिए आसानी है गोल्ड लेने में। हाँ सिंचन इन 4 लोगों को सिंचन हमको बेहोस करना होगा और फिर जैसे सिंचन ये 4 बेहोस हो जाएंगे ना उसके बाद सिंचन ये सारा का सारा गोल्ड लेके हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। लेकिन सिंचन रुक भाई, यहाँ से तो रास्ता है अंदर जाने का। अरे फ्रेंगल भैया जा रहे हो क्या अंदर? हाँ सिंचन एक बार अंदर चल के देखते हैं आखिरकार अंदर की क्या कंडीशन है। चलो भाई कूद गया। और गाइस वो देखो वहां पर वो 4 के 4 तो खड़े हैं, लेकिन मेरे को भाई आराम आराम से जाना पड़ेगा। अगर गाइस इन्होंने मेरे को जरा सा भी अंदर देख लिया ना कि मैं अंदर घुसा हुआ हूं तो पक्का यार ये मेरे पे फायर कर देंगे। और ये देखो भाई ये रहा सारा का सारा गोल्ड, बढ़िया। गाइस अगर इस गोल्ड को मैं बेचूंगा ना तो कम से कम मेरे पास 10-20 करोड़ रुपए तो आ जाएंगे। और यार यहां पर कितनी सारी सुपर कार है, मेरे ख्याल से गाइस यहां पर जितनी भी सुपर कार है ना इन्होंने सारी की सारी सुपर कार चुराई होंगी। ये चढ़ जा बहुत बढ़िया। अब गाइस मेरे को क्या करना चाहिए, काम करता हूं गाइस, अपने बैनी दोस्त को कॉल मिलाता हूं और बैनी को यहां पे बुलाता हूं ताकि गाइस बैनी एक ट्रक लेके आ सके, उस ट्रक में हम सारा का सारा गोल्ड ले जा सके। और गाइस अगर यहां पे बैनी आ गए ना तो गाइस मेरी भी यार बैनी हेल्प कर देगा इन 4 गुंडों को हराने के लिए। ये लो भाई बैनी को मैंने कॉल तो मिला दिया। अरे फ्लाइंग किल भाई क्या हालचाल है, कैसे याद आ गए पुराने दोस्त की? अरे भाई एक बहुत बड़ी मिशन पे हूं मैं, मिशन पे। अरे कहां फंस गया फ्लाइंग किल? अरे भाई तूने पुराना एयरपोर्ट देखा है अपने लॉस सेंटर्स में? हां उसे कैसे भूल सकता हूं भाई, वहां पर मेरे ना कुत्ते ने काट लिया था भाई पैर पे। अरे भाई ये सब बात करने का टाइम नहीं है, तू ना भाई फटाफट से यहां पे आ जा काफी बड़ा ट्रक लेके। तुझे पता है यहाँ पर ना भाई काफी सारे गुंडे हैं, उन गुंडों के बीच में से मुझे भाई काफी सारा गोल्ड चुराना है। अरे क्या बात कर रहा है तू, टेंशन मत ले भाई, मैं तेरे साथ तो गन वन लेके आता हूँ पुराने एयरपोर्ट पे, टेंशन मत ले तू। हाँ भाई तू फटाफट से आ जा। चलो गाइस बैनी से तो बात हो गई, लेकिन ये सिंचन का बच्चा कहाँ है भाई? सिंचन तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। ओए सिंचन के बच्चे कहाँ है तू? नहीं यार सिंचन को इन गुंडों ने तो नहीं पकड़ लिया? नहीं नहीं यार मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, शायद सिंचन टॉयलेट वगैरह करने के लिए गया होगा, बस फटाफट से अब बैनी आ जाए। तो गाइस अभी ना पूरे 4 घंटे बीत चुके हैं और गाइस फाइनली यहाँ पे बैनी आ चुका है। भाई ये तो बहुत ही बड़ा ट्रक लेके आया। अरे फ्रेंगल भाई इस ट्रक के अंदर सारा गोल्ड आ जाएगा ना? अरे भैया यार इसके अंदर तो बहुत सारी सुपर कार भी आ जाएंगी, फ्रेंगल भाई एक दो यार सुपर कार भी ले लेंगे यहाँ से। हाँ सिंचन वो सब तो हम ले लेंगे, बैनी भाई ध्यान रखियो तू मेरी हेल्प करेगा। अरे भाई मेरे को तो डर लगता है, मैं तो गन चलाऊंगा भी नहीं, तो एक काम करो तुम दोनों यहीं पे रहो, मैं जाता हूं। और रिवर्स सिटी यार यहां पर ये कहां से आ गया? आराम से गोली चलाता हूं। ये ले बहुत बढ़िया, इसको तो गाइस मैंने गिरा दिया। भाई अगर इसने मुझे देख लिया होता ना तो काफी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। फटाफट से गाइस ये गुंडे और इन पे फटाफट से गोली चलाता हूं। फाइनली गाइस यहां पे 4 थे 1 सेकंड ये जिंदा हो रहा है क्या? चलो यार फाइनली ये सारे के सारे बेहोश तो हो चुके हैं। अरे 1 सेकंड यार इसके पास तो गन थी, इसका मतलब गाइस ये मेरे पे गन भी चला सकता था। चलो फाइनली यार इनको मैंने बेहोश तो कर दिया। अब सिंचन के बच्चे जल्दी जल्दी भाई यहां पे जितना भी गोल्ड है ना सारा का सारा उस ट्रक में रखवाना पड़ेगा। अगर सिंचन यहां पर कोई और आ
आ गया ना भाई, तो काफी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वैसे गाइस देखो यार कितना सारा गोल्ड है। अरे फ्रैंकी मैं क्या कह रहा हूँ भाई, सुनो तो कुछ गोल्ड मुझे भी देगा। अरे बेनी भैया टेंशन मत लो यार, थोड़ा बहुत गोल्ड तुम भी ले लेना। और सिंचन यहाँ पर ये कार देख रहा है कितनी मस्त लग रही है। फ्रैंकी भाई एक दो कार भाई मुझे भी दे दे। अरे ये कार लेने थोड़ा है भाई, हम तो यहाँ पे गोल्ड लेने आए। लेकिन भाई ये कार काफी प्यार लग रही है, इस कार को तो सिंचन में जरूर चलाऊंगा। अरे चला फ्रैंकी भैया चला फिर तो। अरे मुझे तभी उठा ले। अरे बेनी भैया थोड़ी देर यहीं पे रुक जाओ यार। सिंचन बेनी भाई तुम्हें जो कार अच्छी लग रही है तुम वो चला लो यार। अरे बहुत बढ़िया यार, ये कार तो सच में काफी ओपी है गाइस। इसमें एक बटन है, जैसे मैं वो प्रेस कर रहा हूं ना, ये देखो भाई कार तो हवा में उड़ रही है। ये कार तो गाइस मुझे जरूर चाहिए। वैसे गाइस कुछ भी कहो, ये कार सच में काफी ज्यादा महंगी होने वाली है। अब सिंचन भाई फटाफट से भाई सारा का सारा गोल्ड रखवा दे। अरे फ्रैंकी भैया यार प्लीज यार इस कार के फ्रैंकी भैया अपने घर लेके चलो यार। हां सिंचन लेके तो चलेंगे, पहले यार यहां का सारा काम तो निपटवा दे। तो फाइनली गाइस यहां पे जितना भी गोल्ड था ना गाइस, हमने वो सारा का सारा बेनी के ट्रक में तो रखा। और गाइस उसे ना बेनी अभी लेके जा चुका है, और गाइस वो ना उसे पैसों में कन्वर्ट करवा देगा। लेकिन सिंचन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, जैसे सिंचन यहां से बेनी गया ना, उसके पास सिंचन पता नहीं यहां पे ये क्या गया। अरे हां फ्रैंकी भैया इसके अंदर यार ग्रीन ग्रीन लाइट जल रही है क्या चीज, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। अब ये क्या हो गया सिंचन? अरे बाप रे ये कौन है फ्रैंकी भैया पोस्टर पे? सिंचन भाई वो जो ग्रीन ग्रीन लाइट निकल रही थी वो कहां गायब हो गया? तुमने फ्रैंकी भैया जैसे से टच करा यहां पर पता नहीं ये क्या चीज आ गया। सिंचन भाई जल्दी निकलते हैं, एक काम करता हूं ये वाली कार ले लेते हैं और गाइस अपने घर निकलते हैं, जल्दी बैठ जा सिंचन। अब ये क्या हो गया? अरे फ्रैंकी भैया जैसे तुम इसमें बैठे यार ये कार तो गोल्ड में कन्वर्ट होगी। तू सच कह रहा है क्या सिंचन? और क्या फ्रैंकी भैया कार सच में गोल्ड में कन्वर्ट हो गई यार? अरे वाओ यार ये कार तो सच में गोल्ड में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब मैं किसी और कार में बैठ के देखता हूं, क्या पता गाइस ये कार भी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। बैठ गया, ये लो। और ये देखो ये कार भी भाई गोल्ड में कन्वर्ट हो गई। अरे क्या बात है फ्रैंकी भैया यार तुम्हारे अंदर ये कौन सी मैजिक पावर आ गई? पता नहीं सिंचन ये कौन सी मैजिक पावर आ गई, मुझे लगता है फ्रैंकी भैया जो तुमने अभी किसी ग्रीन ग्रीन चीज को छुआ ना उसके बाद से तुम्हारे अंदर कोई मैजिक पावर आ गई। हां सिंचन मेरे अंदर कोई मैजिक पावर आ गई तो रुक मैं सोचता हूं यहां पर कोई एलियन आ जाए। अरे ले सिंचन कुछ नहीं आया, एक और बार सोचता हूँ ये बारिश बंद हो जाए। अरे वाह सिंचन बारिश तो भाई बंद हो गई अचानक से। अरे बहुत बढ़िया फ्रैंकी भाई यार मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर यार सच में कोई ओपी वाली पावर आ गई है। तो रुक सिंचन कुछ और सोच के देखते हैं, यहाँ काफी सारा गोल्ड आ जाए, काफी सारा आ जाए। अरे ले सिंचन इतना सारा गोल्ड भाई, इसका मतलब सिंचन हम तो काफी अमीर हो गए। अरे लगता है फ्रैंकी भाई लॉस सेंटर्स की काफी अमीर इंसान बन जाएंगे अब तुम। और क्या सिंचन भाई अब रुक काफी ओपी चीज और सोचता हूँ, यहाँ पे ये चीज सोचनी चाहिए मुझे, यहाँ पे काफी बड़े ट्रक आ जाए गोल्ड के काफी बड़े। अरे सिंचन कितने ओपी ट्रक आ गए। अरे इनके टायर देखो फ्रैंकी भैया यार कितने बड़े हैं, तुम्हारी हाइट का है इसका टायर तो। सही कह रहा है कितने बड़े टायर हैं। अब तो सिंचन भाई उन गुंडों से हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये लो भाई ट्रक में भी चढ़ गया। अब गाइस मेरे को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब गाइस मैं उस गैंग के पास जाऊंगा जिसका नाम चड्डी गैंग था, तो गाइस वहां पर जाके ना उन सभी को सबक सिखाऊंगा और गाइस लेटल से काम और कचरा को बचा लूंगा। और क्या फ्रैंकी भैया यार हमारे दोनों दोस्तों को बचा लेना सिंचन, तो टेंशन मत ले भाई अभी चलेंगे और उस चड्डी गैंग को सबक सिखाएंगे और भाई वहां पे चल के कचरा और लेटल से काम को बचा लेंगे। अब तो गाइस हमारे अंदर काफी ओपी पावर आ गया, हमको यार किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और सच में गाइस अब तो हम काफी अमीर होने वाले हैं। अब गाइस मैं एक और सेफ लोकेशन पे जाऊंगा और वहां पे चल के यार काफी कुछ सोचूंगा जिससे गाइस हमारे पास सब चीज आ जाए और हमारे पास किसी चीज की कमी ना हो। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रैंकी सिंचन आपकी भाई तो यार फटाफट गाइस अभी के इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस प्यार वाला बाय।